हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूं आलू और मेथी की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। तो इसके लिए मैंने लिया है मेथी, ये आधा किलो मेथी है। इसको अच्छे से धो के मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये हैं चार मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। उसके अलावा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, गर्म मसाला, जीरा, धनिया और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। और ये है तीन हरी मिर्च, दो टमाटर, अदरक का पेस्ट है और तेल है। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने अराउंड 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म हो गया, इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून जीरा। जीरा डालकर इसमें मैं हरी मिर्च को काट के डाल दी हूँ। इस रेसिपी में मैं प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो प्याज डाल के फिर हरी मिर्च डाल देना। उसके बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के ही कट कर लिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। इनको डाल के मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। भून के इसे हम लोग ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। इसे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे 6 मिनट तक रखा है। 6 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से भून गया है और ऑलमोस्ट आलू आधे से ज़्यादा पक गए हैं। यहाँ पर आप चेक कर लेना, अगर आलू पक गए हैं तो ठीक है, नहीं तो ढक के थोड़ी देर और पकने रख देना। मैं इसे 2-3 मिनट और पकने के लिए रख दे रही हूँ। अब आलू अराउंड पक गए हैं। आलू में अभी मैं डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। आप चाहो तो लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने मेथी भाजी यूज़ किया है वो एकदम छोटे पत्ते हैं, फ्रेश है। अगर आप मार्केट से ला रहे हो और वो थोड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं तो उन्हें काट के थोड़ी देर नमक पानी में डालना। ऐसा करने से मेथी भाजी का कड़वापन चले जाता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी। मेथी डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने जस्ट कलर के लिए यूज़ किया है। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च भी डाला है। अभी मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई है। अब अच्छे से भून के अभी इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैंने प्यूरी कर लिया है। आप चाहो तो टमाटर को एकदम बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। मैं टमाटर का प्यूरी कर ली हूँ। अब मैंने टमाटर का प्यूरी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि टमाटर भाजी, मेथी भाजी और आलू सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से भून के ढक के मैं थोड़ी देर और पकने के लिए रख दे रही हूँ, ताकि मेथी और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। अभी मैंने इसे 2-3 मिनट और पकने रख दिया। 2-3 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर एक बार और मिक्स करके इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला है, क्योंकि भाजी की क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है और नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए नमक भाजी में थोड़ा भुनने के बाद डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक डालने के बाद इसे ढक के हम लोग 2 मिनट तक और पकने देते हैं, ताकि नमक सारी सब्जियों में अच्छे से जाए और थोड़ा बहुत कच्चा हो तो वो भी पक जाए। अब ढक्कन मैंने निकाल दिया है, सब्जी भी अच्छे से पक गई है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फाइनली इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला कम्प्लीटली ऑप्शनल है। गरम मसाला आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मेथी और आलू की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि इसमें गरम मसाले की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी। 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। 1 मिनट बाद सब्जी से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सब्जी भी बनके रेडी है। अभी मैंने कर दिया है गैस का फ्लेम ऑफ। गैस का फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी मेथी आलू की सब्जी ज़रूर बनाइए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।